दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई ओम प्रकाश पांडे कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल एंड साइंसेस। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको मैं सीएमएस ईडी के एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज के बारे में बताऊंगा। होता क्या है, देखिए कि सीएमएस ईडी बहुत से ऐसे जगह से आप लोग कर लेते हैं जहाँ कि आपको करने के बाद कुछ भी नॉलेज नहीं रहता है। अगर सीएमएस ईडी के अकॉर्डिंग भी आपसे कुछ पूछ दिया जाए तो आपको पता नहीं रहता कि कितना मेडिसिन यूज करना है, क्या कुछ इसमें है। तो इसी को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ओम प्रकाश पांडे कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल एंड साइंस, जो कि इमरती रावर्सगंज सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है। अगर आप यहाँ से अपना सीएमएस ईडी करते हैं तो आपके पास कुछ भी जानकारी पहले से नहीं है। अगर आप कोई भी पैरामेडिकल का डिग्री या फिर डिप्लोमा नहीं किए हुए हैं और नहीं तो आपके पास कोई स्पेशल जानकारी है मेडिकल फील्ड से, यानी कि आप पहले से कोई भी अनुभव मेडिकल फील्ड में नहीं रखते हैं, फिर भी आपको प्राथमिक उपचार केंद्र खोलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से आप करते हैं तो आपको यहाँ कुछ एडवांस लेवल की सुविधाएँ मिलती हैं। जैसा होता क्या है इस कॉलेज में कि इस कॉलेज से अगर आप पढ़ते हैं तो बीच बीच में यहाँ से कैंप लगाया जाता है गाँव में, हेल्थ कैंप, जहाँ की जो भी गांव के कुछ पेशेंट होते हैं वहां उन लोगों का कुछ जो कि नॉर्मल ट्रीटमेंट जो आपको प्राइमरी लेवल में करना चाहिए वो ट्रीटमेंट बच्चों से कराया जाता है, और साथ में ही वहां पे जो है कि कुछ डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं जो उन लोगों को गाइड करते हैं। और इसके साथ साथ ही सोनभद्र के कुछ मल्टीनेशनल हॉस्पिटल, जैसे सोनभद्र का कुछ हॉस्पिटल टॉप है, वहाँ पर आपको बीच बीच में जो छुट्टियाँ रहती हैं या फिर मान सकते हैं आपकी क्लास के टाइम भी कभी कभी जहाँ पर आपका क्लास करना चाहिए, लेकिन बीच बीच में एक कॉलेज क्या करता है कि आप लोग को ट्रेनिंग देता है। आप लोग चीज पता होना चाहिए कि कोई भी फील्ड में अनुभव जितना रखता है ना, अगर अनुभव आपके पास है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं उस चीज़ को। तो पढ़ाई के साथ साथ यहाँ अनुभव भी एक बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ में ही अगर आप कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद 6 महीने का स्पेशल से ट्रेनिंग एक कॉलेज आपको देता है सोनभद्र, इलाहाबाद, बनारस जैसे शहर में। आप अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में जाके आप ट्रेनिंग कर सकते हैं और अपने जो है कि नॉलेज को एक अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके साथ में ही इसमें और भी एडवांस लेवल की कुछ सुविधाएँ हैं, जैसे कि और कोर्स में नहीं होता है लेकिन यहाँ इस कॉलेज में सीएमएस ईडी हो या कोई भी कोर्स हो, यहाँ से अगर आप करते हैं तो आपको साथ में ही इंग्लिश लैंग्वेज का जानकारी और कंप्यूटर कोर्स और साथ में जो है कि स्किल बॉडी डेवलपमेंट का नॉलेज आपको मिलता है, और इसके साथ में इसका सर्टिफिकेट भी ये प्रोवाइड करता है जो कॉलेज है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से सीएमएस ईडी अपना कर सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं कि इस कॉलेज की फ़ी कितना है। देखिए, सीएमएस ईडी तो आपको पता होगा कि 2 साल का एक जो है कि डिप्लोमा कोर्स है। अगर इसको आप करते हैं तो आप अपना एक प्राइमरी लेवल का ट्रीटमेंट जो है कि आप प्राथमिक उपचार केंद्र खोल सकते हैं। तो इसको करने के लिए आपको ये कॉलेज देखिए फी आपसे चार्ज करता है 60,000 रुपये पर ईयर, लेकिन इसमें कुछ छूट भी है। जैसा अगर आप ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5% का छूट मिलता है। अगर साथ में ही आप किसी भी कैटेगरी से, अगर आप लेडीज़ हैं यानी लड़की हैं आप, तो गर्ल्स के लिए इस कॉलेज में जो है कि 5% का छूट है। कोई भी कास्ट से हो, चाहे ओबीसी, जनरल, एससी एसटी, कोई भी कास्ट की लड़की है तो लड़की को यहाँ पे 5% का छूट मिलता है, और लड़का ओबीसी या फिर एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो लड़के को मिलता है आपका 5% का डिस्काउंट। अगर साथ में ही आपका अच्छा परसेंट बना है, अच्छा मार्क्स अगर इंटरमीडिएट में, तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं जो कि आपको कुछ छूट दिलाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सीएमएस ईडी करना चाहते हो तो इस कॉलेज में जाके एक बार विजिट कीजिए, देखिए। अगर अच्छा लगता है कॉलेज तो आप यहाँ से सीएमएस ईडी कर सकते हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये कॉलेज के बारे में जब जाना, मैं जब सुना, तो आप चाहें तो कर सकते हैं, एक बार जाके कॉलेज में विजिट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉलेज का ऑफिशियल जो नंबर है वो नंबर यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, आप चाहें तो इस पर कॉन्टैक्ट करके कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं या फिर जो हैं आप उनसे बात कर सकते हैं, कॉलेज के फैकल्टी मेम्बर से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।